हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। यू आर वेलकम इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले इसको पढ़ाने जा रहे हैं और ये इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में ये प्ले, इसमें से 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। या तो वो किसी कैरेक्टर के बारे में पूछेगा या फिर किसी सीन के बारे में पूछ सकता है। आज हम ये स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं और इस स्टोरी में जो जो भी इम्पोर्टेंट सीन है या जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो सब अलग अलग वीडियो में लिए जाएंगे, आप सभी उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन फर्स्टली आप अपनी स्टोरी को क्लियर करिए कि इसकी कहानी क्या है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस नेम है इस प्ले का और ये विलियम शेक्सपियर, जो कि बहुत ही फेमस पोएट और ड्रामेटिस्ट हुआ है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर में उसका बहुत बड़ा नाम है। विलियम शेक्सपियर ने अपने 37 ड्रामास लिखे हैं, 37 नाटक लिखे हैं। उन 37 नाटकों में से द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कॉमेडी है, सुखांत नाटक है। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस इज द नेम ऑफ ए सिटी, यूरोप का एक सिटी है जो आजकल इटली में है, उत्तर की ओर इटली में है। और वेनिस पुराने समय से ही एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड का ट्रेडिंग सेंटर रहा है, व्यापारिक केंद्र रहा है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का मतलब है वेनिस शहर का सौदागर, वेनिस शहर का सौदागर। अर्थात इसका जो मेन हीरो है अंटोनियो है, और अंटोनियो जो इस वेनिस सिटी का एक प्रमुख सौदागर है, और उसी के नाम पर इस प्ले का ये नाम पड़ा है, ये टाइटल इसीलिए दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें जो कैरेक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, 20 कैरेक्टर्स हैं इसमें। द ड्यूक ऑफ वेनिस, ये वेनिस नगर का प्रमुख है, जो कि प्रमुख होता है, एक जज है, जो पुराने जमाने में उसको ड्यूक कहते थे, किंग को ड्यूक कहते थे, तो एक तरह से किंग है या वेनिस सिटी का। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि द प्रिंस ऑफ मोरक्को है, द प्रिंस ऑफ आर्गोन है, ये दोनों अलग अलग अपने राज्य से आए हुए राजकुमार हैं और ये पोर्सिया से विवाह करने के लिए इच्छुक हैं। अंटोनियो वेनिस का सौदागर है, इस वेनिस सिटी का सौदागर है अंटोनियो, और द मर्चेंट ऑफ वेनिस इस प्ले का हीरो भी है। बेसेनियो, ये बेसेनियो अंटोनियो का मित्र है और पोर्सिया से विवाह करने का इच्छुक है, और पोर्सिया भी इससे विवाह करने की इच्छुक है, लेकिन ये बाय प्रोफेशन एक सोल्जर है और ये बहुत ही एक्स्ट्रावेजेंस है, इसने अपना सब कुछ खर्च कर डाला है और ये हमेशा अपनी जो भी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनके लिए अंटोनियो पर निर्भर करता है, और अंटोनियो इसे एक यंगर ब्रदर की तरह उसकी जितनी भी नेसेसिटीज है, जो भी नीड्स है, उनको पूरा करता है। 6 से लेके 9 तक ये देखिए 3-4 नाम है, सेलेनियो है, सेलेरिनो है, ग्रेसियनो है और ये सेलेरियो है। ये 4 हैं जो कि ये एंटोनियो और बेसेनियो के मित्र हैं, जो कि इसके दोनों के साथ साथ रहते हैं हमेशा। और लोरेंजो है, ये जेसिका का प्रेमी है। जेसिका कौन है? जेसिका जो कि साइलोक की बेटी है, ये जेसिका से प्यार करता है और जेसिका इससे शादी करना चाहती है। और 11वें नंबर पर आप देखते हैं साइलोक है, ये वेनिस का एक धनाढ्य यहूदी है, जीव्स है, और एक बहुत बड़ा सूदखोर है, लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊंची ब्याज की दर पर पैसा देता है। और 12 नंबर पर ये तुबाल है, तुबाल जो कि साइलोक का मित्र है। उसके बाद 13 पर देखिए लांसलोट गोबो है, लांसलोट गोबो, और 14 नंबर पर देखते हैं ओल्ड गोबो, ओल्ड गोबो इस लांसलोट का फादर है। पहले ये ओल्ड गोबो साइलोक का सर्वेंट हुआ करता था, लेकिन यह बंधा हो गया था और उसके बाद उसका बेटा उसकी सेवा में चला गया था, अर्थात उसके यहां नौकर बन गया था लांसलोट गोबो। ये 15 से 16 दो बाल थसार है और स्टेफनो है, ये दोनों पोर्सिया के नौकर हैं। बालसार और ये स्टेफनो दोनों पोर्सिया के नौकर हैं, और लियोनार्डो बेसेनियो का नौकर है। पोर्सिया, पोर्सिया बेलमोंट की राजकुमारी है, एक धनाढ्य उत्तराधिकारी है बेलमोंट की, क्योंकि अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। और उसके बाद 19 नंबर पर नेरिशा को देखते हैं, नेरिशा जो कि पोर्सिया की अटेंडेंट है, दासी है। और जेसिका साइलोक की बेटी है और ये
लोरेंजो से शादी करना चाहती है और इन इस प्ले की द मर्चेंट ऑफ वेनिस की पूरी कहानी केवल दो शहरों में फिल्माई गई है, वेनिस सिटी और बेलमोंट सिटी। एक यदि एक्ट फर्स्ट को हम देखेंगे, पांच एक्ट इसके हैं, पांच एक्ट में से पहले एक्ट में अगर तीन सीन है या दूसरे में जितने भी आठ सीन दस सीन है तो एक सीन के बाद एक सीन यदि वेनिस में घटित होता है तो उसके बाद दूसरा सीन बेलमोंट में घटित होता है। अब वेनिस सिटी क्या है, वेनिस सिटी का रहने वाला कौन है, एंटोनियो यहीं का रहने वाला है, बेसेनियो सभी यहीं के रहने वाले हैं, साइलो लोरेंजो जेसिका और सभी यहीं के रहने वाले हैं, सिर्फ बेलमोंट के रहने वाले कौन है, पोर्शिया है जो कि राजकुमारी है, नेरिसा इसकी अटेंडेंट है और इसके दो सर्वेंट हैं, ये सब रहने वाले हैं बेलमोंट के। केवल इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स इस प्ले में सभी वेनिस के रहने वाले हैं। अब देखिए स्टोरी क्या है, बहुत ही शॉर्ट में मैं इसको ले रहा हूं। एंटोनियो जो कि वेनिस का एक सौदागर है और एक बहुत बड़ा व्यापारी है वेनिस का, और ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था और वो वेनिस सिटी का बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति माना जाता था। वो गरीब लोगों की सहायता विदाउट इंटरेस्ट करता था, बिना किसी ब्याज के करता था। जबकि इसके साथ में इसका दोस्त बेसेनियो है, इसके सारे फ्रेंड्स हैं जिनका मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, और इस प्रकार से इसका बहुत बड़ा यहाँ पर कद है इस वेनिस सिटी में। इसके बाद वेनिस सिटी में ही साइलोक है, साइलोक एक बहुत बड़ा सूद शेयर है, अर्थात ब्याज का काम करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों को ब्याज देता है और उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। इसके साथ साथ उसने ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी, उसने भी काफी धन कमा लिया था और वो भी इस वेनिस सिटी का एक धनाढ्य व्यक्ति बन गया था। दो का बहुत बड़ा नाम था इस वेनिस सिटी में। साइलोक जो कि गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देता था, एंटोनियो जबकि गरीब लोगों की सहायता बिना किसी इंटरेस्ट के करता था, बिना किसी ब्याज के करता था, इसीलिए वो हमेशा साइलोक से नफरत करता था। उस नफरत करने की ये दो कारण थे, नंबर वन वो दूसरों को ब्याज पर पैसा देता था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और नंबर टू चूंकि एंटोनियो एक क्रिश्चियन था, ईसाई था, और साइलोक एक जीव था, यहूदी था, और यहूदी लोग बहुत कम थे उस समय, क्रिश्चियन ज्यादा थे और क्रिश्चियन लोग यहूदियों से बहुत नफरत करते थे, इसीलिए हमेशा उससे नफरत करता था साइलोक से, और पब्लिक प्लेसेस पर कई बार उसकी इंसल्ट कर चुका था, उसे कई बार वो डोग के नाम से, कर के नाम से पुकार चुका था और गला काटने वाला लोगों का ये भी कह चुका था। इवन दैट यहां तक के पब्लिक प्लेसेस पर उसने उसकी इंसल्ट इतनी की कि उसके ऊपर थूक भी दिया था, इसीलिए साइलोक भी उससे बहुत अधिक नफरत करता था, लेकिन इंटरनल रूप से करता था, वो कभी अपने टॉन्ग पर अपनी लिप्स पर नहीं लाता था। वो जानता था कि क्रिश्चियन लोग संख्या में ज्यादा है और उसकी जो ज्यूस कम्युनिटी है वो बहुत कम थी। इसी के साथ होता है कि अचानक ही हम ये प्रथम दृश्य जो इसका घटित होता है वो वेनिस में होता है। एंटोनियो बहुत ही चिंतित है, बहुत परेशान है, सारे साथी उसके पास में हैं और तभी उस सभी साथी उससे पूछते हैं भाई उसके दुख का कारण क्या, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। लेकिन उसके बाद सब लोगों को पता चल जाता है कि उसका जहाज जो विदेश में ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए माल लेकर जा रहा था और जिस समुद्र से जा रहा था उस समुद्र में अचानक ही तूफान आ गया था और लोगों को ये शंका थी कि कहीं उसका ये जहाज डूब ना जाए, और उसे भी यही चिंता थी। इसी बीच जब वो बहुत ही कंसिडेशन में है, परेशानी में है, तो अचानक ही कौन आता है, बेसेनियो आता है, और बेसेनियो उससे कहता है कि मुझे 3000 ducats की आवश्यकता है, 3000 ducats मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? Because I have to go to Belmont, क्योंकि मुझे Belmont जाना है और वहां पोर्शिया का स्वयंवर है और पोर्शिया के स्वयंवर में मुझे भाग लेना है, हिस्सा लेना है, क्योंकि आर्टोर इस बात को जानता था कि वो Belmont की राजकुमारी पोर्शिया से प्यार करता था। तो देखिए इस समय ये पैसा एंटोनियो के पास नहीं था, लेकिन वो समझता है कि मुझे अपने मित्र की मदद करनी चाहिए, और वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति से वो पैसा उधार ले ले और मैं वहां पर अपनी गारंटी दे सकता हूं, और उसके बाद जब मेरा जहाज आ जाएगा मैं उसके पैसे रिटर्न कर दूंगा। और इसी बीच में बेसेनियो
किसके पास जाता है, बेसेनियो साइलोक के पास जाता है। ये यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ जाते हैं बेलमोंट में, जो नेक्स्ट सीन शुरू होता है। बेलमोंट में हम देखते हैं कि पोर्सिया जो कि इकलौती बेटी है अपने पेरेंट्स की, और उसके फादर ने एक सपना देखा कि वो अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करेगा, जबकि पोर्सिया किससे शादी करना चाहती है, बेसेनियो से, बेसेनियो पोर्सिया से करना चाहता है। लेकिन ड्यूक चाहता है, उसका फादर चाहता है पोर्सिया का, कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए उसने कास्केट सीन बनवाया, 3 संदूकची बनवाई, एक गोल्ड की, एक सिल्वर की और एक लेड की बनवाई, रागे की बनवाई, तो 3 ये संदूकची बनवाई, और उसने उनका एक क्रम निर्धारित किया कि जो एक सही चुनाव करेगा, सही संदूकची खोलेगा और उसके साथियों अपनी बेटी की शादी करेगा। लेकिन आफ्टर दैट क्या होता है, बिफोर सम टाइम्स, उससे कुछ ही समय पहले, जब ये डेट मुकर्रर की गई थी, रखी गई थी कुछ ही दिन पहले, अचानक ही पोर्सिया के फादर की डेथ हो जाती है। इस समय पोर्सिया फ्री थी, यदि वो चाहती तो वो डायरेक्ट बेसेनियो से शादी कर सकती थी। तो वो बड़ी चिंता में है, दुख में है कि क्या करे। मेरिसा उसे समझाती है, कहती है कि बेसेनियो वास्तव में फिट है, वो डिजर्व करता है कि उसके लिए कोई सुंदर लेडी उसे चाहिए और वो मिलनी भी चाहिए, वो एक अच्छा नवयुवक है। लेकिन उसके फादर की ये विल है, इसलिए उसके फादर अपने फादर की विल के अनुसार ही उसे कार्य करना चाहिए, और उसने ये बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि वो अपने अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ हिज विल, तो वो अपने फादर की विल के अनुसार ही मैरिज करेगी। और सभी वहां पर किंग्स और प्रिंसेस सभी चले जाते हैं, और देखिए सबसे पहले क्या होता है, वहां कौन आता है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को का राजकुमार आता है, द प्रिंस ऑफ आर्गोन, आर्गोन का राजकुमार बेसेनियो भी आता है, और ये प्रिंस ऑफ मोरक्को जो कि बहुत ही काले रंग का था, बिल्कुल एकदम से काला था, और ये फर्स्ट डे एक लेटर देता है कि उन लोगों को कि पोर्सिया कोई लेटर दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ फर्स्ट नाइट में, जबकि अगले दिन ये कंटेस्ट है, प्रतियोगिता है। तो वो ये लेटर जाता है पोर्सिया के पास कि भाई जो मिलना चाहता है मुझसे, लेकिन फिर भी वो उससे मिलती है और उसे पूछना चाहती है कि वो क्या चाहता है, तो वो उसे समझाता है कि वो उसके काले रंग पे ना जाए और उससे शादी कर ले, स्वयंवर का चक्कर, इस तरह का कास्केट की सीन का चक्कर छोड़ दे, पता नहीं तुम्हारे भाग्य में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पोर्सिया उसे समझाती है कि वो स्वतंत्र नहीं है अपनी शादी करने के लिए, वो इस लॉटरी सिस्टम से ही शादी करेगी, लेकिन वो जब ज्यादा जबरदस्ती करता है तो वो कहती है कि तुम्हें इस लॉटरी सिस्टम से बाहर किया जाता है, लेकिन वो गिड़गिड़ाता है उसके बाद कि कम से कम मुझे, मैं 3000 माइल से आया हूँ, यहाँ समुद्र लांघ कर आया हूँ, तो कम से कम मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर तो जरूर दिया जाए, और दे दिया जाता है एक शर्त पर कि वो चर्च में जाए और जीसस क्राइस्ट की के सामने ये वो करे, ये प्रतिज्ञा करे कि यदि आज वो इस कंटेस्ट में, इस प्रतियोगिता में हार गया तो वो जीवन भर कभी मैरिज नहीं करेगा। ऐसा उसने किया और तभी उसे कंटेस्ट में प्रतिभाग करने की अनुमति दी थी, और अगले दिन ये कंटेस्ट शुरू होता है, और जब ये कंटेस्ट शुरू होता है तो यहाँ पर हम इस सीन को छोड़ देते हैं। अब हम फिर वेनिस में आते हैं, वेनिस में क्या हाल है, क्या हो रहा है, एंटोनियो के घर आते हैं तो खलबली मची हुई है, और ये सूचना आती है, सेलेरिनो और सेलेरियो दोनों आकर बात करते हैं आपस में कि एक जहाज डूबा है, तूफान आया है, और तो निश्चित रूप से एंटोनियो का ही जहाज होगा। जैसे ही एंटोनियो को सूचना मिलती है वहां पर बहुत ही ज्यादा एकदम से सन्नाटा छा जाता है, परेशानी छा जाती है। इसी बीच साइलोक भी मिलता है सेलेरिनो से, और सेलेरिनो से बताता है कि हाँ वास्तव में घटना सच है, तो बड़ा खुश होता है कि बहुत अच्छा हुआ है, दिवालिया हो गया, वो अच्छा हो गया, क्योंकि उससे बहुत नफरत करता था। इसी बीच में साइलोक का एक नौकर होता है जो कि मैंने अभी बताया था, लांसलॉट गोबो होता है, और ये लांसलॉट गोबो ये उसकी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो तंग आ गया था उससे, और जब वो उसकी नौकरी छोड़ना चाहता है, और यहीं पर जेसिका बड़ी चिंतित होती है, जेसिका कहती है कि अब तो वो कम से कम अपना लेटर जेसिका लोरेंजो को भेज देती थी उसके माध्यम से, लेकिन व्हाट विल ही डू नाउ, वो अब क्या करेगी, तो वो परेशान हो जाती है, और वो कहती है कि मैं भी यहाँ से भागना चाहती हूँ। वो एक लेटर देती है लांसलॉट गोबो को कि लोरेंजो को दे देना, और मैं भी इस घर से भागना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फादर का घर मेरे लिए घर नहीं है, हेल है। तो वो लेटर लेकर वो वहां पर जेसिका का लेटर लांसलॉट गोबो
लॉरेंजो को देता है और अपने फादर से आके कहता है ओल्ड गोबो से कि मैं उसकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। और तब ओल्ड गोबो और लांसलोट गोबो दोनों बेसिनियो के पास जाते हैं, बेसिनियो से कहते हैं कि भाई देखो ये आपके पास नौकरी करना चाहता है, आप इसे नौकरी में रख लो। वो उसे बहुत पसंद करता था लांसलोट गोबो को, वैसे जो उसे नौकरी में रख लेता। और ये सब लोग भी कहाँ पहुंच जाते हैं, ये भी वहीं पहुंच जाते हैं, बेलमोंट में पहुंच जाते हैं उसके साथ में। ग्रेसियनो भी वहीं पहुंच जाता है, सब उसके साथ में है। और यहाँ पर अब जेसिका को बताया जाता है कि बेसेनियो अपने घर एक पार्टी कर रहा है और उस पार्टी में ये साइलोक को भी इनवाइट किया जाता है। साइलोक भी उस पार्टी में जाता है। साइलोक बहुत पार्टी का इच्छुक होता है, वो हमेशा यही चाहता था कि फ्री की कहीं पर ड्रिंक मिलती रहे, खाना मिलता रहे, और वो हमेशा जाता था। तब भी जाता था, आज भी वो गया। तब वो अपने घर का बिल्कुल लॉक अच्छी तरह से बंद करवा के गया, चाबी अपनी बेटी जेसिका को आज देकर घर की लाइट तक बंद करवा देता था, वो इतना कंजूस था। और उसने कहा कि बिल्कुल सावधानी बरतना। और यहाँ पर इन लोगों को खबर मिल जाती है कि साइलो पार्टी में आ रहा है और वो एक मास्क प्रोसेशन निकालते हैं, मास्क पहनकर एक प्रोसेशन निकालते हैं और उसे सूचना दे देते हैं। तभी वो उसके सारी अलमारी को, जो भी उसकी अलमारी थी, तिजोरी थी, सारा जो भी रतन था, जो भी डायमंड्स था, वो सारा कुछ इकट्ठा कर लेती है जेसिका अपने फादर का, और वो सारे मटेरियल को लेके और मास्क लगाकर एक मेल परिधान में, एक आदमी के वस्त्रों में वो मास्क लगाकर धीरे से उनके साथ वहां से निकल जाती है। और वो भी वहां आगे उनके साथ पहुंच जाती है, सभी उसके साथियों के पास। अब यहाँ पर फिर हम बेलमोंट में आते हैं। बेलमोंट में नेक्स्ट डे क्या होता है, बेलमोंट में क्या होता है, सबसे पहले द प्रिंस ऑफ मोरक्को उसका स्केट सीन को खोलने के लिए आता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो वो पाता है कि तीन कास्केट सीन रखे हुए, तीन संदूकची है। पहला है गोल्ड का, दूसरा सिल्वर का और तीसरा लेड का। गोल्ड वाले पर क्या लिखा था, ऑल दैट ग्लिटर्स बट नॉट प्योर गोल्ड, सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं होती, ठीक है, ये लिखा हुआ था। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो मुझे खोलेगा वो वही पाएगा फॉर विच ही डिजर्व्स, जिसके लिए वो योग्य होगा, अर्थात जिसके वो योग्य होगा, ये उस पर लिखा हुआ था। और वो तीनों को पढ़ता है, फिर सिल्वर वाले पे जाता है, सिल्वर वाले पे लिखा था जो मुझे खोलेगा वो वही पाएगा जो उसके भाग्य में होगा, और लेड वाले पर लिखा था कि जो मुझे खोलेगा उसका वो भी चला जाएगा जो उसके पहले से पास में है। तो वो कहता है कि भाई जो चला जाएगा, और फॉर्चून क्या हम लोग डिजर्व करते हैं, और इसलिए वो क्या सबसे पहले किसको खोलता है, गोल्ड वाले को खोलता है। जैसे ही वो गोल्ड वाले कास्केट सीन को खोलता है और उसमें क्या पाता है, ए पिक्चर ऑफ एन इडियट, एक इडियट की पिक्चर, एक खोपड़ी पाता है, स्कल पाता है, SKULL खोपड़ी को कहते हैं। जब ये खोपड़ी उसे मिली तो वो हक्का बक्का रह जाता है और कंटेस्ट से बाहर हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रिंस ऑफ आर्गोन आता है। जब प्रिंस ऑफ आर्गोन आता है तो वो भी तीनों का एनालिसिस करता है और वो सिल्वर वाली खोलता, सिल्वर वाली जैसे ही खोलता है तो उसमें एक इडियट ही मिला। तो इडियट मिला और उसमें उस इडियट के साथ में ही एक छोटा सा नोट लगा हुआ था। उस नोट पर लिखा हुआ था कि जो छाया के पीछे दौड़ता है उसे छाया ही मिलती है, और जो कोई कार्य करने से पहले तीन बार नहीं सोचता उसका फिर यही असर होता है, ये उस पर लिखा था। उसके बाद वो भी कंटेस्ट से बाहर हो जाता है। और उसके बाद बेसेनियो आता है, और बेसेनियो जैसे ही आता है तब बहुत ही चिंतित है इस समय पोर्सिया। पोर्सिया उसे कहती है कि वो चुनने से पहले खूब समय लगा ले, काफी सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझको प्राप्त ना कर पाए। लेकिन बेसेनियो बड़े धैर्य से काम लेता है और वो रांगे वाला, लैग वाला कास्केट सीन खोलता है। और जैसे ही खोलता है तो देर वाज ए पिक्चर ऑफ पोर्सियो इनसाइड दैट, उसके अंदर पोर्सिया की एक तस्वीर थी, वो उसे पा लेता है। और उसने एक सही चुनाव किया था और उसके साथ ही पोर्सिया की शादी होती है, अर्थात पोर्सिया वरमाला उसको पहना देती है। यहीं पर एक और चीज होती है कि ग्रेसियनो जो इसका नौकर था, अर्थात ग्रेसियनो किससे शादी करना चाहता है, नेरिशा से।
वो भी अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वो नेरिसा से शादी करना चाहता है, तो ग्रेस येनो की शादी की बात नेरिसा के साथ पक्की हो जाती है और दे बिगिन टू लिव हैप्पीली। इन्होंने वहां पर खुशी से रहना शुरू कर दिया। इधर अब हम कहां पहुंचते हैं, हम पहुंचते हैं वेनिस सिटी में। क्या हाल हो रहा है वेनिस सिटी में, जहाज डूब गया है, सूचना आ गई और बहुत परेशान है इस समय पूरा फ्रेंड सर्कल। साइलो बड़ा खुश है, इधर एंटोनियो बहुत दुखी है और धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं, क्योंकि जब ये 3000 ducats, मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि जब 3000 ducats किससे लिए गए थे, ये लिए गए थे साइलोक से, और साइलोक से जब ये पैसा लिया गया था तो साइलोक को गारंटी किसने दी थी, गारंटी दी थी एंटोनियो ने, और साइलोक ने एंटोनियो से एक बॉन्ड भरवाया था जिसमें 2 पंक्तियां लिखी थी। पंक्ति नंबर 1 पर लिखा था यदि वह 3 महीने तक इस निश्चित तिथि तक 3 महीने के अंदर ये पैसा उसे देना है और 3 times, इसका 3 गुना देना है। 3 गुना यानी 3000 ducats लिए थे, 9000 देने, और यदि 3 महीने तक वो इस पैसे को नहीं दे पाया, दूसरी लाइन में लिखा था, तो साइलोक को ये राइट होगा या अधिकार होगा कि वह एंटोनियो के हार्ट के पास से 1 pound mass काटेगा, 1 pound flesh, 1 pound mass काटेगा, और ये उस समय एंटोनियो खुद तय करेगा कि उसके हार्ट के पास से कौन से पोर्शन से, किस हिस्से से काटा जाए। ये बात होती, 3 महीने बीत जाते हैं और जैसे 3 महीने बीतते हैं, 1-2 दिन बाकी है, तभी सेलरिनो एंटोनियो का एक पत्र लेकर बेलमोंट में आता है और वो पत्र बेसेनियो को देता है। जब वो बेसेनियो को पत्र देता है तो बेसेनियो से पढ़ता है वो सारी कहानी, पोर्शिया को बताता है कि उसका मित्र आज संकट में है, उसने उसके जीवन को कई बार बचाया और आज जो भी है वो उसी की बदौलत है। यहां पर पोर्शिया 15000 ducats उसे देती है कि वो जाकर अपने दोस्त की का लाइफ बचाए, उसको वहां उस संकट से बचाए, और बेसेनियो 15000 ducats लेकर वहां से चल देता है अपने साथियों के साथ और वो वहां पर पहुंच जाता है वेनिस में। लेकिन पीछे क्या होता है, पीछे ये बहुत ही फनी थी पोर्शिया, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, और वो चाहती है कि मैं भी जाकर देखूं कि ये कैसे बचाएगा, कोर्ट सीन कैसे चलेगा और क्या क्या वहां पर कार्य करेगा। तो वो डिस्गाइज करके एक मेल डिस्गाइज में और अपनी दासी नेरिसा को भी मेल डिस्गाइज में लेकर वेनिस सिटी में आ जाती है। वेनिस सिटी में जैसे ही वो आते हैं, नेक्स्ट डे, आज क्या है, आज लास्ट दिन है, शाम के समय पहुंचता है बेसेनियो पैसा लेकर, लेकिन अब कोर्ट बंद हो चुका था, रात हो चुकी थी, फिर भी अगले दिन कोर्ट में जाना था, लेकिन एंटोनियो फिर भी बेसेनियो से कहता है कि एक ट्राई और करते हैं, हम दोनों साइलोक के घर जाते हैं। साइलोक के घर जाते हैं दोनों, एंटोनियो साइलोक के सामने गिड़गिड़ाता है, उसके पैर पकड़ता है, उसे कहता है कि वो उसे माफ कर दे, मैं दिवालिया हो गया हूं, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जहाज डूब गया है, लोगों का कर्जा मुझ पर है, मेरे पास घर नहीं है, मैं सड़क पर हूं, यू मस्ट फील पिटी अपॉन मी, आप मुझ पर दया करें और मुझे इस बॉन्ड से मुक्त कर दें। लेकिन वो नहीं मानता, वैसे ही उससे कहता है कि वो 9000 ducats अपने ये भी ले ले और 6000 ducats वो अलग पेनल्टी के रूप में दे रहा था, पूरे 15000 ducats उसे देने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपना मुकदमा वापस ले ले। लेकिन साइलो बदले की भावना से भरा है और वो एंटोनियो को किक मारता है, लात मारकर कहता है यू मस्ट गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, अब हमारी मुलाकात कल कोर्ट में होगी। देखिए वहां से एंटोनियो और बेसेनियो दोनों बहुत ही दुखी मन से अपने घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे कोर्ट में आ जाते हैं, जैसे ही कोर्ट में आते हैं तो जिरह शुरू होती है और अल्टीमेटली अब ड्यूक एंटोनियो से पूछता है कि यू हैव टू से समथिंग इन दिस वेरी फेवर, क्या तुम्हें इस पक्ष में कुछ कहना है, लेकिन
एंटोनियो धीरे से गर्दन हिला देता है कि उसे इस पक्ष में कुछ नहीं कहना है। और उसी समय पोर्सिया, जो कि सभी ऑनलुकर्स दर्शक लोग वहां पर थे, उन्हीं के बीच में वो थी, निरीशा भी वहीं पर थी, और वो पहले से ही ये अरेंज करके लाई थी कि वो एक वकील की यूनिफॉर्म उसके पास में थी, डॉक्टर बेले की, वो एक वकील होते थे, उनकी यूनिफॉर्म थी, उनका एडवोकेसी लेटर था। और जब उसने ऐसी स्थिति को देखा कि अब उनका जीवन खतरे में है, तो वो अपना वो एडवोकेसी लेटर लेकर एक मेल डिस्गाइज में, वकील की यूनिफॉर्म में, और उसके साथ निरीशा जो कि एक मुंशी के रूप में है, वो कोर्ट में अपीयर होती है और ड्यूक के सामने एडवोकेसी लेटर रखते हुए कहती है कि मुझे एंटोनी की तरफ से इस केस में कुछ कहना है। और वो पूरी दलील देती है, सही लोग को समझाती है, मर्सी का सबक सिखाती है। वो कहती है कि तुम आज एंटोनियो के लिए गॉड हो, इसलिए यू मस्ट फील पिटी अपॉन एंटोनियो सो दैट ही मे रिलीज फ्रॉम द बॉन्ड। लेकिन वो बिल्कुल मना कर देता है और इसी जिद पर रहता है कि उसे एक पौंड मांस चाहिए। इसी समय वो उस बॉन्ड को पढ़ती है और उस पढ़ने के बाद में एक नया तरीका खैर उसे सूझ जाता है और वो उसे कहती है कि बॉन्ड में कहीं भी नहीं लिखा कि उसे उसके जीवन को लेने का अधिकार है, केवल उसे एक पौंड मांस काटने का अधिकार है। और ड्यूक की तरफ वो इशारा करती हुई कहती है कि ये भी वो इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे इस जीवन, उसका जीवन लेने का अधिकार नहीं है, वो सुरक्षित रहे, एंटोनियो अर्थात सुरक्षित रहे, और नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड मस्ट बी फ्लोड फ्रॉम हिज बॉडी, और उसके शरीर से एक रक्त की बूंद भी बाहर नहीं आनी चाहिए, ये गारंटी साइलोक ले। अब साइलोक घूम जाता है, परेशान हो जाता है, अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस जाता है और वो ड्यूक के सामने, पोर्सिया के सामने गिड़गिड़ाता है, एंटोनियो से भी भीख मांगता है कि वो कोई भी पैसा नहीं लेगा, वो केस भी वापस ले लेगा और मुझे इस केस से फ्री कर दिया जाए। लेकिन कोई उसे फ्री नहीं करता, एंटोनियो कहता है कि उसके ऊपर दया करो। तब पोर्सिया उसके सामने एक बोर्ड रखती है जिसमें लिखा था, लाइन नंबर 1 में लिखा था कि वो एक यहूदी है, जीव है, और वो क्रिश्चियन लोगों से नफरत करता है, इसलिए वो अपना ये जीव रिलीजन छोड़कर क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए भी ओके कर लेता है। और दूसरी लाइन में लिखा था कि उस अपनी हाफ प्रॉपर्टी वो अपनी बेटी जेसिका के नाम कर दे, क्योंकि उसने अपनी बेटी जेसिका को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा था, वंचित कर रखा था, क्योंकि उसकी बेटी ने अपने फादर की विश के खिलाफ लोरेंजो नाम के उस व्यक्ति से शादी की जो कि क्रिश्चियन रिलीजन से था। तो देखिए, जब वो घर से भाग जाती है, वो अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि वो अपने डायमंड्स के लिए, अपने पैसों के लिए रोया था, ज्यादा उसके लिए रोया था। तो इस समय पर आधी प्रॉपर्टी वो अपनी बेटी के नाम करे और आधी प्रॉपर्टी वो एंटोनियो को दे। एंटोनियो वहां पर खड़ा होता है, वो कहता है कि उसे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वो आधी प्रॉपर्टी भी जेसिका को ही दे दी जाए। तो यहां पर फिर भी एंटोनियो उसे माफ करता है और इस समय ये केस पूरा हो जाता है और साइलोक को भी फ्री कर दिया जाता है, एंटोनियो भी फ्री हो जाता है, उनके बीच में एक जजमेंट हो जाता है। और जैसे ही पोर्सिया और नेरिशा दोनों कोर्ट को छोड़ते हैं, तभी एंटोनियो बेसिनी उसे कहता है कि तुम वकील लोगों की फीस जरूर दो। उनके पास जाता है और एंटोनियो यहां तक कहता है कि जितना भी पैसा है जो कि हमें साइलोक को देना था, 9,000 डुकेट्स देने थे, ये सारा पैसा उनको ही दे दो। वो सारा पैसा ऑफर करता है पोर्सिया को, बेसेनियो, लेकिन पोर्सिया मना कर देती है और अल्टीमेटली बेसेनियो से पोर्सिया कहती है कि यदि तुम देना ही चाहते हो तो यू मस्ट गिव योर रिंग, अब तुम अपनी रिंग मुझे दो जो तुम अपनी फिंगर में पहने हुए हो। और ये रिंग किसको, किस बेसेनियो को किसने दी थी? इट वॉज प्रेजेंटेड बाय पोर्सिया टू बेसेनियो एट द टाइम ऑफ द मैच। ये रिंग जो कि पोर्सिया के द्वारा ही उसको प्रेजेंट की गई थी मैरिज के समय पर, तब वो उसे देता नहीं, वापस आ जाता है और एंटोनियो उससे रीजन पूछता है तो एंटोनियो उसे बहुत डांटता है और वो कहता है कि मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए दे सकता हूं और तुम मेरे लिए रिंग नहीं दे सकते।
तब वो गरीशिनो से वो रिंग देता है और कहता है कि तुम उस वकील को जाकर ये रिंग दे आओ। गरीशिनो आवाज लगाता है रुको रुको और उसे वो रिंग देता है। पोर्सिया बड़ी खुश होती है। उसी समय पर नेरिशा जो कि एक उसका मुंशी बनी हुई थी वो भी उससे कहती है कि मुझे आपकी रिंग चाहिए। अब ग्रेशियनो भी उस रिंग को निकाल कर दे देता है जो कि नेरिशा के द्वारा उसे प्रेजेंट की गई थी क्योंकि उनकी भी शादी होने वाली थी और वो मंगेतर थे, तो वो रिंग उसे दे देता है, दोनों रिंग उन्हें दे देता है। इसी समय पर सब इकट्ठे होते हुए बड़े खुश हैं। पोर्सिया नेरिशा अपने साथियों के साथ वो सीधे बेलमोंट की ओर प्रस्थान करते हैं और यहां पर ये बड़े खुश हैं। खुश होने के बाद बेसेनियो अपने मित्र एंटोनियो से कहता है कि अब हम बेलमोंट जाएंगे और वो सभी साथियों को लेकर वो भी बेलमोंट के लिए निकल पड़ते हैं। यानी दोनों पहले वो और उसके बाद वो रवाना हो जाते हैं। बेलमोंट में लोरेंजो और जेसिका पहले से ही पोर्सिया के घर की देखभाल कर रहे थे। उन्हें पता लगता है कि वो आने वाले, तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वहां पर पहले पोर्सिया पहुंचती है, उसके बाद एंटोनियो, बेसेनियो और उनके सारे साथी पहुंचते हैं। और जैसे ही वो सारे इकट्ठे वहां पर खा पी रहे होते हैं, यहां पर एक एपिसोड रिंग है। एपिसोड रिंग यानी रिंग एपिसोड के नाम से उसको बोला जाता है। अर्थात रिंग एपिसोड क्या है, यहां पर भी बड़ा मजाक होता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता रहता है। ट्रायल सीन मर्सी वाला जो कोर्ट का है, कास्केट सीन जो शादी का है जहां पर पोर्सिया की मैरिज के लिए कास्केट सीन खोला गया था, और ये रिंग एपिसोड यहां पर जब वो खा पी रहे होते हैं तो ये पूरी प्लानिंग पोर्सिया और नेरिशा ने बनाई थी कि नेरिशा तुम ग्रेशियनो से पूछोगी कि तुम्हारी रिंग कहां है। ग्रेशियनो से नेरिशा पूछती है कि वेयर इज योर रिंग, और ग्रेशियनो कहता है कि उसने तो वो रिंग किसको दे दी, वकीलों को दे दी। वो वकील नहीं थे, वो गोड थे, उनको हमने वो रिंग दे दी। और यहां पर उनकी आपस में झगड़ा हो जाता है कि तुमने मुझसे वादा किया था और तुमने कैसे वो रिंग दे दी। यहां पर नेरिशा ग्रेशियनो से कहती है कि देखो बेसेनियो कितना समझदार है और उसने वो रिंग अपने पास संभाल के रखी होगी, लेकिन तुमने उसे वो दे दी। अब यहां पर ग्रेशियनो कहता है कि बेसेनियो ने भी अपनी रिंग उनको दे दी। अब यहां पोर्सिया एकदम से बेसेनियो से पूछती है कि तुम्हारी रिंग कहां है, और वो कहता है कि यही कहीं होगी, बाद में ढूंढ लूंगा, कहीं रखी होगी। लेकिन वो जब उसके साथ लड़ना शुरू करती है तो वहां पर लड़ाई झगड़ा उनमें आपस में होता है, तो यहां एंटोनियो खड़ा हो जाता है और एंटोनियो कहता है कि शायद मैं इस सारी ट्रेजेडी का जिम्मेदार मैं ही हूं, इस सारे झगड़े की जड़ मैं ही हूं, इसलिए साथियों मैं ही यहां से चला जाता हूं और तुम शांत रहो। लेकिन ये सब फिर एक मजाक में बदल जाता है। पोर्सिया रिंग अपनी लाकर उसे बेसेनियो को दिखाती है कि ये रिंग है, क्रिशियनो को नेरिशा दिखाती है, और तब पता चलता है कि उस समय कोर्ट में कौन कौन था। अर्थात देश बदलकर ही पोर्सिया और नेरिशा वहां पर गए थे, ये बात वहां खुलती है। और जैसे ये बात खुलती है तो एंटोनियो बड़ा खुश होता है, वो कहता है कि अच्छा साथियों अब तो मैं चल रहा हूं, तुम सब खुश हो, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ मिल गया है। उसी बीच में एक मैसेंजर आता है बाहर से और पोर्सिया के कान में कुछ कहता है और पोर्सिया उसे बाहर भेज देती है। इस समय पोर्सिया कहती है एंटोनियो से कि एंटोनियो ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए भी मैं एक गुड मैसेज रखती हूं। वो गुड मैसेज क्या था? एंटोनियो कहता है कि मेरे जैसे अभागे के लिए और गुड मैसेज क्या हो सकता है, मेरा सब कुछ चला गया है, मैं इस समय सड़क पर आ गया हूं। तब पोर्सिया उसे कहती है कि वो तुम्हारा जहाज जो विदेश में गया था वो वापस आ गया है, तुम्हारा जहाज डूबा नहीं था, ये मैसेज मुझे अभी मिला है जो वेनिस से मैसेंजर लेकर आया था। और इसी के साथ ये प्ले फिनिश हो जाता है।